सास ससुर सी, सास मेरी फौत हुई हुई मतरेई सास है, तो वह भी नहीं चंगा जानते सन, मारते कुटते भी सन, मेरा सहुरा भी मारता सी, तो मेरा मियाँ भी मैं मारता सी, तो हूँ तो मतलब आपके जो ससुर थे वो भी आपको मारते थे, जो शोहर है वो दोनों मारते थे? हाँ जी भाई, यही है कि मेरी इमदाद कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, अल्लाह मियाँ तुहानू खुश रखे, तुसी जिथे भी जे, अल्लाह मियाँ तुहाडी रिज़क रोज़ी विच अल्लाह मियाँ बरकत पावे, ते मेरी प्लीज मेरी इमदाद कर दे कि मैं खुद दा सारा खुद बन सका बच्चियां दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज मैं कैसी बहना के पास मौजूद हैं, ये बहना जो आपको साथ नज़र आ रही हैं, इनके शोहर जो हैं वो नशेई थे, इनको छोड़कर चले गए हैं। आप इनके हाथों के निशान पर देखेंगे तो वो सिगरेट जला के इनके हाथों पर लगाते थे, बहुत मारते भी थे इन्हें, क्योंकि नशा करके जो है वो इन्हें बहुत मारते थे। इन्होंने मैं निशान दिखाए सिगरेट के जो उन्होंने लगाए हैं। तीन इनके बच्चे हैं, दो इनकी बेटियां हैं और एक इनका बेटा है, वो भी अभी छोटा है, और बेटियां भी अभी इनकी छोटी हैं। तो बाकी मामला इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि शादी से पहले आप लोगों ने रिसर्च की लड़का नशा करता है कि नहीं करता, या ऐसे ही शादी कर ली, और अब आप नतीजा देख सकते हैं। बाकी स्टोरी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ज़रा जो आपकी सारी स्टोरी है एक दफ़ा आवाम के सामने रख दें, ताकि जो भाई देख रहे हैं उन्हें आपकी स्टोरी पता चल सके। हाँ जी भाई, मेरे अबू फौत हो ना, तो मेरी अम्मी वालदा है, सिर्फ बहन भाई नहीं है, तो अम्मी ने शादी कर दी सी, तो साढ़े गैर सन, रिश्तेदार नहीं सन, तो काफ़ी वैसे भी उन्होंने उम्र सी, तो नशा भी करते सन, तो नशा करते कितने बह जाते सन उन्होंने नहीं पता, घर किन्ने किन्ने दिन आते नहीं सन, तो जरा सास ससुर सी, सास मेरी फौत हुई हुई मतरेई सास है, तो वह भी नहीं चंगा जानते सन, मारते कुटते भी सन, मेरा सहुरा भी मारता सी, तो मेरा मियाँ भी मैं मारता सी, तो हूँ तो मतलब आपके जो ससुर थे वो भी आपको मारते थे, जो शोहर है वो दोनों मारते थे? हाँ जी, तो उन्होंने मैंने घरों बहर कढ दिता, तो मैं बेघर हाँ, मेरी अम्मी मेरे नाल है, तो मैं लाहौर रह रही हूँ, फिलहाल मकान किराए तो लाए उन्हें, तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो बच्चों खिला रहे हैं, तो बच्चों जाहिर है पढ़ाना लिखाना, अच्छे जुत्ती कपड़े मैं नहीं दे सकनी हाँ, इन्ना कुछ नहीं मैं अफोर्ड कर सकनी हाँ, तो मेरी प्लीज़ इमदाद की जाए कि मैं आपके बच्चों पढ़ा लिखा लव, मैंने कुछ छोटा जहा जरिया दे दें कि मैं छोटी जी दुकान पा ला या कोई मशीन, मतलब अपना अपना बच्चों का खुद सहारा बन सके। हाँ जी, मैं खुद आदा कोई कारोबार कर सका। अच्छा, आपके जो शोर थे आपसे उम्र में बड़े थे? हाँ जी, उन्होंने काफ़ी उम्र सी। तो आपकी वालदा ने सर्च करके शादी नहीं की थी कि लड़का नशा करता है कि नहीं करता? नहीं, उन्होंने नहीं किया, मतलब ऐसे ही शादी कर। हाँ जी, मेरी वालदा भी काफ़ी उम्र दी ने, उन्होंने भी नहीं ये सोचा। नाजरीन, ये एक सबक है कि जो बेटियों की ऐसी शादी कर लेते हैं, बाद में ये नतीजा निकलता है, जैसी ये बहन की स्टोरी है। तो जब भी बेटियों की शादी करने लगें, पहले रिसर्च कर लें कि लड़का कैसा है, उसके बाद शादी करें, ताकि कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अब अपने बच्चों का खाना कैसे पूरा कर रही हैं आप? भाई, ये घर च काम करनी है, तो वह 5,000 तनख्वाह मैंने दे दें, तो 4,000 मकान का किराया, तो वैसे भी वो बचा बचाया मैंने खाना बाजी दे दें, तो वैसे भी 150 रुपया दे दें, कि बच्चों मैं खर्चा कर लेनी हूँ। अच्छा, शोहर ने कितने अरसे से आपको छोड़ा हुआ है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो आप मुझे अब ये बताएंगे, जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगी इनके सामने कि ये किस हद तक आपकी मदद करें? भाई, बस मेरी इन्नी को इमदाद कर दें कि मैं खुद कोई आधा कारोबार कर लवा, मतलब अपना सहारा खुद बन जाए, अपने बच्चों का सहारा खुद बन जाए। हाँ जी। तो जी नाज़रीन, अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, आपने इनकी सारी स्टोरी इन्हीं की ज़बानी जानी है, ये चाह रही हैं कि अपना सहारा खुद बने, इनके शोहर जो हैं 2 साल से इन्हें छोड़ के चले गए हैं, और ये लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही हैं। इन्होंने बताया कि मैं जिन बाजियों के घर में काम करती हूँ, उन्हें पता है कि मेरे शोहर ऐसे हैं और छोड़ कर चले गए हैं, तो वो मुझे रोज़ 100-150 दे देती हैं कि बच्चों का गुजारा कर लो अगर तुमसे हो सके तो। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि खाने के लिए भी मिल जाता है? हाँ जी, बच्चा बचाया खाना भी दे दें बाजू जी, जरा मैं घर ले आके आते बच्चों को खिला लेनी हूँ। तो जी नाज़रीन, अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, नीचे आप लोगों को इनका नंबर शो हो रहा होगा, और आप मुझे ये बताएंगे जाते जाते आवाम को क्या कहना चाहेंगी आप? भाई, यही है कि मेरी इमदाद कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, अल्लाह मियाँ तुहानू खुश रखे, तुसी जिथे भी जे, अल्लाह मियाँ तुहाडी रिज़क रोज़ी विच अल्लाह मियाँ बरकत पावे, ते मेरी प्लीज़ मेरी इमदाद कर दे कि मैं खुद दा सारा खुद बन सका बच्चों दा।
नाज़रीन इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं खुद का सहारा खुद बन जाऊं, दोबारा मुझे मीडिया पे आने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई मोटिवेशन स्टोरी है, तो अब नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करें, हम आपके टैलेंट को पहुँचाएँगे लोगों तक। और इसी के साथ मुझे और बहना को और इस बच्ची को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। आपसे वो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।